Good morning, friends. This is your host Ashish Borua from Borua's Way. Today is 21st of July 2022. Currency pre-market analysis pe aap sabhi ka swagat hai. Please watch till the end to get the most information. Before we start, please like the video as it inspires to put more effort and make new, better, creative and effective content for you. Without further ado, let's begin. डॉलर इंडेक्स अभी है 106.86. पिछले चार पांच दिन में काफी सॉफ्टनेस देखा गया है एंड अभी इंतजार है आपका 20 जुलाई के लो के नीचे. 20 जुलाई के लो के नीचे अगर आज का लो और क्लोज बनता है देन इट इज द फर्स्ट सिग्नल दैट द सॉफ्टनेस इज देयर. उसके बाद हमें ये सपोर्ट दैट इज 105.7080 एक दूसरा सपोर्ट होगा एंड तीसरा सपोर्ट होगा ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट. ये तीनों अगर क्रॉस कर देता है देन इन सच ए सिनेरियो वी मे सी कि डॉलर इंडेक्स और भी ज्यादा सॉफ्ट हो सकता है. उसका पहला ट्रिगर होगा आज 5:45 इवनिंग में. क्या है? ईसीबी रेट डिसीजंस. डॉलर रुपी अभी है 80.00. यहाँ पे देखने वाला बात क्या है कि डॉलर इंडेक्स इज सॉफ्ट फॉर लास्ट कपल ऑफ डेज बट द वे रुपी हैज बीन होल्डिंग अराउंड 80 लेवल्स ओवर द लास्ट फ्यू डेज इज क्रिएटिंग सम डाउट ओवर दैट वी मे सी सम फ्रेश हाईज वेरी सून. इफ ईसीबी रेट डिसीजंस टुडे फेल्स टू सस्टेन यूरो स्ट्रेंथ फ्रॉम इट्स रिसेंट लोज. ईसीबी मीटिंग पोस्ट आवर मार्केट क्लोजिंग एट 5:45 PM. वहां पे क्या है कि मार्केट इज ब्रॉडली प्राइसिंग इन 50 बेसिस पॉइंट्स हाइक एंड अनदर 50 बेसिस पॉइंट हाइक इन सेप्टेम्बर मीटिंग. एनी शॉर्टफॉल ऑन दिस मे लीड टू सेल ऑफ इन यूरो एंड मे ब्रिंग डॉलर इंडेक्स हायर दस मे पुट प्रेशर ऑन डॉलर रुपी. तो आज का ईसीबी रेट डिसीजंस इवनिंग में काफी क्रूशियल है. देखना है कि 50 बेसिस पॉइंट्स हाइक होता है या एनी शॉर्टफॉल इज देयर. ये कंसर्न है कि काफी आपका 14 जुलाई की जो मदर कैंडल है उसके अंदर में 15 जुलाई 18th 19th एंड 20th चार दिन बैक टू बैक कंसोलिडेट कर चुका है. यानी एक कंसोलिडेशन आया है विद इन ए पर्टिकुलर कैंडल 14 जुलाई वाला कैंडल. इसके यानी ये जो ब्रेकआउट देगा आइदर साइड ब्रेकआउट पे एक ह्यूज मोमेंटम इज एक्सपेक्टेड. उसका शुरुआत आज शाम को ईसीबी रेट डिसीजंस के साथ होने वाला है. जीबीपी डॉलर इन्फ्लेशन काफी ज्यादा है मीन्स पिछले 40 साल का काफी हाई पे है. हमें वही देखना पड़ेगा कि आने वाले मीटिंग में उनका रेट हाइक्स का क्या है. यूरो डॉलर अभी है आपका 101.0210. जैसे कि बताया ये आज का ईसीबी इज वेरी क्रूशियल फॉर यूरो डॉलर स्ट्रेंथ और फर्दर वीकनेस. यहाँ पे जैसे आप देखोगे कल का यानी 20 जुलाई का जो कैंडल है वो समवट 19 जुलाई के कैंडल के अंदर में ही है. व्हाट इट सिग्निफाइज यानी किसी कारणवश अगर कल के हाई के ऊपर सस्टेन कर जाता है ऑन ए आवरली बेसिस तो ये नया हाई दिखाएगा. पहला तो है आपका 103.75 से 104.00 एंड सेकेंड हो जाएगा आपका 106.00. उसका प्री कंडीशंस क्या है? प्री कंडीशंस यही है कि कल के कैंडल के हाई के ऊपर आवरली बेसिस पे सस्टेन करना पड़ेगा. अगर कल के लो के नीचे आवरली बेसिस पे सस्टेन करता है तो थोड़ा फिर दोबारा ये नीचे की तरफ आने का कोशिश करेगा एंड ट्राई टू टेस्ट द पेरिटी वन सेकेंड. तो हमें देखना है क्या हो रहा है इसमें. डॉलर येन आज बीओजे का रेट डिसीजन से एक्सपेक्टेड कि उनका जो अल्ट्रा हाई मीन्स अल्ट्रा लूज मॉनेटरी पॉलिसीज है उसी को कंटिन्यू करने का है. तो एक्सपेक्टेशंस वही है. देखना पड़ेगा कि एनी
चेंज इन देयर स्टैंड इज देयर और दे आर कंटिन्यूइंग द सेम स्टैंड. हमें इंतजार है, यहाँ पर भी काफी टाइम से कंसोलिडेशन हो चुका है. यहाँ पर भी वही 14 जुलाई के मदर कैंडल के अंदर में पिछले 4 दिन का एक्टिविटीज है. यहाँ पर भी वही है, मदर कैंडल के हाई के ऊपर नया हाई बनाएगा एंड मदर कैंडल के लो के नीचे एक फ्रेश स्विंग लो हम देख सकते हैं. यहाँ पे जीबीपी आईएनआर काफी लेवल पे काफी कंसोलिडेशन हो रहा है. इंतजार है ये द इमीडिएट रेजिस्टेंस दैट इज 96.6070. यूरो आईएनआर इंतजार है आज शाम 5:45 का ईसीबी रेट डिसीजन के ऊपर. यहाँ पर भी वही है, ये जो कल के हाई के ऊपर एक नया हाई दे सकते हैं दैट इज आपका 82.70 के आसपास. उसके बाद आपका हो सकता है सेकेंड जो रेजिस्टेंस होगा आपका यहाँ पे दैट इज 83.00. एनी प्राइस एक्शन बिलो द लो यानी लो के नीचे अगर आवर्ली बेसिस पे सस्टेन करेगा तो फिर एक नीचे की तरफ हम सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं. जेपीवाई आईएनआर कंसोलिडेशन के बाहर निकलना पड़ेगा, उस तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट पे. डॉलर कैंडी पे वीकनेस बरकरार है, कल एक पॉज कैंडल बनाया हुआ है. आज अगर ये पॉज कैंडल के यानी कल के लो के नीचे आवरली बेसिस पे सस्टेन करता है तो हमें ये 1.2800 देखना पड़ेगा एंड 1.2800 के नीचे अगर क्लोज देता है डेली क्लोज देन में वी तो हमें उसके बाद प्राइस एक्शन पर चेक करना है कि फर्दर कहां तक जा सकता है, इज इट गोइंग टुवर्ड्स 1.2550 और नॉट. उसके लिए हमें एनालिसिस नए तरीके से करना पड़ेगा. तो फिलहाल 1.2800 का इंतजार रहेगा. ऑसी डॉलर पे कल एक पॉज कैंडल्स आया है एंड जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है आपका है 0.6975 से 0.70. एक फर्स्ट पहला रेजिस्टेंस एंड दूसरा रेजिस्टेंस हो जाएगा 0.7050 से 0.7075. डॉलर सीएनएच पे थोड़ा हलचल दिख रहा है. क्या हलचल है आप देखोगे, 14 जुलाई के प्राइस एक्शंस के बाद छोटा छोटा कैंडल्स बना रहा था एंड कल एक बड़ा कैंडल बनाया हुआ है एंड आज उसके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है. यानी हमारा क्रूशियल लेवल्स हो जाएगा 14 जुलाई का हाई. 14 जुलाई के हाई के ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर की तरफ तेजी दिख सकता है इन सीएनएच. यूके ऑयल कल एक पॉज कैंडल्स दिखा गया है. पॉज कैंडल का लोकेशन कहाँ है, सेंटर बैंड ऑफ द बोलिंजर बैंड. जैसे कि हमने कल एक डिस्कस किया था, इट्स ए ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड कैंडिडेट. वहां पे हमें देखना है लोअर टाइम फ्रेम पे. लोअर टाइम फ्रेम पे ये आपका ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे क्लोज दे चुका है. दैट बीइंग द केस हमें अभी क्या देखना है, ये जो प्राइस है इसके नीचे हमें फ्रेश शॉर्ट देख सकते हैं और इसके हाई के ऊपर हमें यानी 107.6070 के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा फॉर ए टारगेट ऑफ 96.50 से 97.00. तो हमें इंतजार रहेगा शॉर्ट बिलो 105.00. हालांकि यहाँ पे हमारा एक्सेस ज्यादातर लोगों का ये यूके ऑयल और ब्रेंट ऑयल पे सेलिंग का या ट्रेडिंग का एक्सेस नहीं है तो हमें करेंसी एमसीएक्स मार्केट में जो है एमसीएक्स का जो क्रूड ऑयल है वहां पे अगर कोई चाहे तो अपने रिस्क के बेसिस पे अपने ट्रेड डिसीजंस ले सकते हैं. तो यहाँ पे इसके लो के नीचे यानी 105.00 के लो के नीचे हमें ये 96.5 से 97 स्विंग डायरेक्शंस हो सकता है और स्टॉप लॉसेस हो जाएगा आपका 107.6070 के ऊपर. यूएस 10-ईयर ट्रेजरी पिछले तीन दिनों में नहीं, ये 4 आवरली चार्ट है. कल एक बड़ा मींस पिन बार बनाया हुआ है, पिन बार का लेकिन लोकेशन बहुत ग्रेट नहीं है, ये मिड वे पे है. लेकिन देखने वाला बात है कि प्राइस गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम 2.95 से 3.03 के लेवल पे. यानी यहाँ से यहाँ तक एक प्राइस रिजेक्शन हुआ है, इसको अगर नीचे जाना है तो इस
ये जो लो है इसके नीचे क्लोज देना पड़ेगा ऑन ए डेली बेसिस, अदरवाइज जैसे कि हमारे एक्सपेक्टेशंस है कि आपका जब तक ये नहीं तोड़ता है, स्विंग हाई नहीं तोड़ता है तो बीच में ही कंसोलिडेट करेगा, जब तक यानी कब तक कंसोलिडेट करेगा आपका 26-27 का एफओएमसी मीट के ऊपर, वहां पे ऊपर मार्केट पूरा का पूरा नजर गराए हुए है क्या होगा आने वाले वेडनेसडे को। करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। If you like this video, then make sure to like, share, subscribe and comment down below your thoughts of this video. It helps out greatly. Thank you again. This is Ashish Bora from Borua's Way signing off.